मंडे नाइट रॉ पे तो हमें जबरदस्त स्टोरी लाइंस देखने को मिली, पर मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद कौन से मैचेस हुए, सेथ रोलिंग्स की क्या मेडिकल अपडेट आई, रोमन रिंग्स पे इतनी बड़ी अनाउंसमेंट आई मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद, करेंगे इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद कौन से मैचेस हुए, दो मैचेस हमें देखने को मिले। कोडी रोड्स ने अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को कार्मेलो हेस के खिलाफ डिफेंड किया। मंडे नाइट रॉ के बाद एक डार्क मैच था, इस मैच में कोडी रोड्स ने कार्मेलो हेस को हरा के अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करा। इसके अलावा एले नाइट ने भी मैच खेला सेंटोस एस्क्लाबार के खिलाफ, जिस मैच में एले नाइट ने उन्हें लगातार छठी बार हराया, यानी कि ऑफ एयर दो मैच हुए थे एले नाइट ने जिसमें हराया सेंटोस एस्क्लाबार को और कोडी रोड्स ने हराया यहां पे मिस्टर हेस को। इसके अलावा बड़ी अपडेट आई है सेथ रोलिंग्स पे। सेथ रोलिंग्स और ब्रॉन्सन रीड के बीच में जो बैक स्टेज पार्किंग लॉट ब्रॉल्स हो रहे हैं वो सच में आउटस्टैंडिंग है, पर इस बार सेथ रोलिंग्स पे ये पार्किंग लॉट ब्रॉल काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। सेथ रोलिंग्स को ब्रॉन्सन रीड ने ऐसा पटका था बैक स्टेज कि उन्हें एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां पे उनको डॉक्टर्स ने चेक करा, जो कि WWE के कॉमेंटेटर्स ने हमको मेडिकल अपडेट प्रोवाइड कर दी थी। उसके बाद अब सेथ रोलिंग्स पे एक शॉकिंग अनफॉर्चुनेट एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि सेथ रोलिंग्स की कमर में चोट आई है, जो कि 101% स्टोरी लाइन चोट है, और हमें क्राउन ज्यूअल पे सेथ रोलिंग्स शायद दोस्तों अपने कमर की साइड पे पट्टी बांध के ब्रॉन्सन रीड से लड़ते हुए दिखेंगे। यानी कि सेथ रोलिंग्स का आपको मैच याद होगा बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के खिलाफ, बिल्कुल ही ऐसी परफॉर्मेंस हमें सेथ रोलिंग्स ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ देते हुए दिखेंगे। पर ब्रॉन्सन रीड यही नहीं रुके, उन्होंने सेथ रोलिंग्स को ट्रोल करा सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं WWE का सबसे खतरनाक सुपर हैवीवेट रेसलर हूँ जिसके आगे सेथ रोलिंग्स नहीं टिकेंगे। आपको याद होगा ब्रॉन स्ट्रोमैन सेथ रोलिंग्स से पहले इनके अपोनेंट थे, उन्होंने भी रिएक्ट करते हुए कहा, शायद सेथ रोलिंग्स को ट्रोल करते हुए कहा कि मैंने तो इसको एक चोट लगी हुई थी जब मुझे ग्रोइन में मैंने तब हरा दिया था। शायद ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ रोलिंग्स का मैच क्राउन ज्वेल पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एजी स्टाइल्स के ऊपर भी अपडेट आई है, एजी स्टाइल्स इंजर्ड हैं। आप जानते हैं उनके बारे में एक रूमर फैल रहा था कि शायद एजे स्टाइल्स को WWE हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर लेगी या TNA के हॉल ऑफ फेम में भी वो जा सकते हैं, क्योंकि उनका ऐसे एक्टिव रेसलर करियर अब खत्म हो चुका। एजे स्टाइल्स ने सोशल मीडिया पोस्ट डाल के ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि मैं अभी भी एक एक्टिव रेसलर हूं और मैं ना ही TNA ना ही WWE के हॉल ऑफ फेम में जाऊंगा, मैं वापसी करूंगा, मैं अभी जिंदा हूं। इसके बाद आज की मेन खबर, रोमन रेंग्स जे उसो और जिमी उसो फाइनली एक टीम बना के फाइट करेंगे सोलो की ब्लड लाइन के खिलाफ। ये मैच WWE ने ऑफिशियली रॉ के बाद अनाउंस कर दिया है और ये मैच हमें क्राउन ज्यूअल पेपर व्यू पे देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि रोमन रेंग्स चौथे सुपरस्टार के तौर पे या किसी को बैकअप बुलाएंगे लड़ने के लिए ब्लड लाइन पे, क्योंकि ब्लड लाइन के तो तीन मेंबर तो फाइट करेंगे और चौथा सुपरस्टार रिंग साइड खड़ा होकर इस मैच में इंटरफेयर करेगा। क्या सैमी ज़ेन रोमन रिंग्स की इस मैच में मदद करने की कोशिश करेंगे जे उसो जिमी उसो की? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिमी उसो और जे उसो ने सैमी ज़ेन को ऑलरेडी सोलो सिकोए से बैक स्टेज बात करते हुए पकड़ लिया है, जिसके बाद दोस्तों ये रूमर्स बहुत ज्यादा हैं कि शायद सैमी ज़ेन चौथे मेंबर तो बन जाएं ओरिजिनल ब्लड लाइन के, पर आखिरी में सैमी ज़ेन की स्टोरी लाइन में हमें एक बहुत बड़ा धोखा देखने को मिले। वैसे मेरा मानना है सैमी ज़ेन तो नहीं, इस बार हमें जिमी उसो ही रोमन रिंग्स को धोखा देते हुए दिखेंगे। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही कि रॉ के बाद क्या हुआ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की बेल जरूर बजा दीजिए।